नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की बड़ी और ताज़ी खबरों में। दोस्तों आज दिन भर की बड़ी खबरें मुख्य समाचार फटाफट से लेकर आप सभी के सामने जुड़ चुके हैं। चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें मुख्य समाचार सिर्फ 10 मिनट में। इससे पहले कि आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो को लाइक देंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं आज दिन भर की पहली बड़ी खबर। यूपी में बस से यात्रा करना महंगा, रोडवेज ने बढ़ाया किराया, जानिए कितना बढ़ रहा है रेट। यूपी से बस से यात्रा करना महंगा हो गया है। उप राज्य सड़क परिवहन निगम की बस में सफर करने वालों को जेब हल्की करनी पड़ेगी। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने परिवहन निगम के किराया बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसी साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर। आसाराम बलात्कार के मामले में गांधीनगर की अदालत करेगी सजा का ऐलान। दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे संत आसाराम बाबू को गांधीनगर की एक अदालत ने महिला शिक्षा के दुष्कर्म में एक मामले में दोषी करार दिया है। आसाराम को इस मामले में मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बता दें, पहाड़ों पर बर्फबारी, दिल्ली NCR में बादल, इन राज्यों में करवट लेगा मौसम। देश की राजधानी दिल्ली और NCR की मौसम पल पल करवट ले रहा है। वहीं आज मंगलवार से मौसम फिर बदलेगा और बारिश में राहत मिल सकती है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, शब्द और आठ कॉन्सेप्ट समझ लिए तो बजट समझ आ जाएंगे, देखिए पूरी वीडियो। 1 फरवरी 2023 देश का बजट संसद में पेश होगा। हर साल की तरह इस साल की बजट स्पीच होगी। इसके बाद शुरू होगा सराहन आलोचनाओं का दौर। सत्ता पर पक्ष किसानों गरीब मिडिल क्लास के बजट जैसी तमाम उपस्थितियों को संबोधित करेगा, जो वहीं विपक्ष इसकी आलोचना कर दिखाई देगा। एक साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, केंद्र की इस पेंशन योजना पर बजट से पहले आया बड़ा अपडेट, सब्सक्राइबर का जानना जरूरी। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अटल पेंशन योजना में यदि आपने भी निवेश किया है तो इस पर नया अपडेट आया है। नए अपडेट में तहत केंद्रीय की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना AYP के तहत 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। इसके साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, आयुष्मान भारत के दायरे में आए 80 करोड़ लोग, देश के मेडिकल कॉलेजों में संख्या बढ़कर हुई 506। में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि केंद्र की प्रमुख स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना दुनिया में पहली और एकमात्र ऐसी प्रणाली है जो 80 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का कवर प्रदान करती है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, 31 जनवरी 2023 संसद में आज पेश होगा इकोनॉमिक सर्वे, जानने देश की दुनिया की ताज़ा खबरें। आज की ताज़ा खबर, 30 जनवरी 2023 आज से संसद का बजट सत्र हो रहा है। सत्र के पहले दिन वित्त सत्रमण संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश करेगी। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बता दें, 1 फरवरी को आम बजट पेश करेगी वित्त मंत्री सीतारमण, आम जनता का रखेगी ख्याल। अंतरिम बजट के साथ 11वां बजट का काउंटन शुरू हो चुका है। शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस जैसे तमाम क्षेत्रों को इस बार के बजट से खास उम्मीदें हैं। हालांकि सेरेमनी में वित्त मंत्री ने खुशी का इजहार करते हुए जनता को आश्वासन देने की कोशिश की है। इस बार का बजट जनता के लिए तमाम तोहफे लाने वाला है, लेकिन क्या वित्त मंत्री ने लिए इतना आसान होगा या फिर एक बार फिर लोगों को निराश होना पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बता दें, PM मोदी दिल्ली से 2 घंटे में जयपुर और 12 घंटे में मुंबई। PM करेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का उद्घाटन। अगले महीने में पहले हफ्ते सड़क मार्ग से दिल्ली और जयपुर का सफर बेहद आसान हो जाएगा। आप देश की राजधानी दिल्ली में राजधानी की जयपुर की यात्रा महज 2 घंटे में पूरी कर सकेंगे। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र को मिलेगी 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात। PM मोदी 10 फरवरी को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र को एक साथ दो भारत वंदे ट्रेन की सौगात देंगे। PM मोदी 10 फरवरी को मुंबई आएंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में 2 वंदे भारत ट्रेन की हरी झंडी दिखा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बता दें, इसे कहते हैं शानदार बजट की शुरुआत। इतनी कमाई पर नहीं देना होगा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्लब रेट, साल में बजट आता है तो हम सबसे पहले सबकी नज़र बजट के इनकम टैक्स स्लेब में मिलने वाली छूट पर होती है, क्योंकि इनकम टैक्स बजट एक ऐसा हिस्सा है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीधा जुड़ा हुआ है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, CM योगी ने सूर्य को कहा मिस्टर 360 ट्वीट कर कही ये बातें। भारत न्यूजीलैंड के बीच 3 मैच में 20 सीरीज का दूसरा मैच रविवार को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में खेला गया। टीम इंडिया ने इस मुकाबले को 6 विकेट से जीतकर सीरीज 1-1 से बराबरी कर ली है। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट जिस
जिस भाषा में गवाही हो उसे भी रिकॉर्ड रखा जाए, सिर्फ अंग्रेजी पर था गलत। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों में गवाही को मूल भाषा के बजाय अंग्रेजी अनुवाद कर रिकॉर्ड में दर्ज कराने की जजों की प्रथा को गलत ठहराया। शीर्ष अदालत ने कहा जिस भाषा में गवाह बयान देता है उसमें भी रिकॉर्ड रखना चाहना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, गूगल ने चीनी प्रचार से जुड़े 50,000 खाते ब्लॉक किए। ड्रैगनविज साइट की जा रही थी अमेरिका की आलोचना। गूगल के पिछले यूट्यूब ब्लॉगर और एडसेंस जैसे विभिन्न प्लेटफार्मों पर चीन समर्थक खातों द्वारा साझा की गई 50,000 से ज़्यादा सामग्री को ब्लॉक कर दिया है। अपने ब्लॉग साइट पर यह जानकारी साझा करते हुए गूगल ने थ्रेट एनालिसिस ग्रुप TAG ने कहा कि उन्होंने उस पर समूह को अब ब्लॉक कर दिया है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, शिवसेना के दोनों गुटों ने चुनाव आयोग के सामने लिखित के अंतिम दलील दी, संगठन और चुनाव पर दावा। शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट को सोमवार को चुनाव आयोग के सामने पार्टी संगठन और चुनाव चिन्ह पर अपना दावा जताते हुए अंतिम दस्तावेज पेश किए। दोनों गुटों ने पार्टी के चिन्ह रूप में धनुष और तीर और पार्टी संगठन पर अपना दावा जताते हुए निर्वाचन आयोग के सामने लिखित में अपनी बात रखी। इसी के साथ दोस्तों आपको बताते हैं अगली बड़ी खबर, दिल्ली दंगा, शाहरुख खान पठान को बंदूक मुहैया कराने के आरोपी से कोर्ट से राहत। बयान कानून के मुताबिक नहीं। देश की राजधानी दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगे के मामले में दिल्ली की अदालत ने शाहरुख पठान को पिस्तौल बेचने के आरोपी में बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी बाबू वसीम के खिलाफ मामला वास्तविक सामग्री या सच के बजाय अनुमानों पर आधारित है। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बता दें, इन दोनों में बूस्टर डोज लेने से कोरोना से मौतें 90% तक हुई STD। कोरोना का कहर पूरी दुनिया ने देखा है। इस एक वायरस ने कई लोगों को जान ली है, कई तरह की मुसीबतें खड़ी की हैं, लेकिन इसका इलाज भी निकला है। इलाज है, कोरोना का वैक्सीन है। एक नई वैक्सीन मार्केट में आ चुकी है। अब इन वैक्सीन ने सभी बूस्टर डोज लेने अहम रोल निभाया है। माना जा रहा है कि अगर बूस्टर डोज नहीं दी जाती तो कोरोना के बदले स्वरूप की वजह से और ज़्यादा लोगों की मौतें होती। इसी को लेकर एक नई स्थिति सामने आई है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार के खिलाफ गठबंधन बनाने के जुटे नीतीश कुमार ने भाजपा से तौबा। नई दिल्ली टीम डिजिटल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि वह भारतीय पार्टी जनता भाजपा से हाथ मिलाने के बजाय मरना पसंद करेंगे। उनकी यह टिप्पणी अब आई है जब भाजपा ने फैसला किया है कि जनता दल यूनाइटेड के अलोकप्रिय नेता से फिर से गठबंधन करने की कोई सवाल नहीं है। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बता दें, 31 जनवरी सलीग्राम शिला पहुंचेंगी UP, अयोध्या में बनेगी भगवान श्री राम की मूर्ति। नई दिल्ली नेपाल से 6 करोड़ वर्ष पुरानी सलीग्राम शिला 31 जनवरी को 11:30 बजे कुशीनगर पहुंचेगी। यह नेपाल के पूर्व उप मंत्री एवं पूर्व गृह मंत्री वीरमिलेंद्र निधि व जानकी मंदिर के तहत के नेतृत्व की कुशीनगर आ रही है।